हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। टीना दत्ता, जी हाँ, ब्रांड टीना दत्ता की अब असलियत सौंदर्य के सामने आ गई है। और जैसे ही सौंदर्य को पता चला है कि टीना उनके बारे में ऐसी वैसी बातें करती रहती है कि मैं तो ब्रांड हूँ और सौंदर्य है ही क्या, इसके कितने फॉलोअर्स है, इसे कौन जानता है, कौन पहचानता है, तो अब ऐसे में सौंदर्य ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं और अपना जो भी जहर है वो टीना को लेकर शालीन के सामने वो उगलती नजर आ रही है। और साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि शालीन, मुझे आपसे और टीना से कोई मतलब नहीं है, आप दोनों ने हमेशा मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ फेक किया है, सिर्फ गलत किया है और मेरी अच्छाई और मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। इतना ही नहीं, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि जो सौंदर्या शर्मा है वो टीना को कहेंगी कि मैं अभी इंडस्ट्री में बहुत नहीं हूँ, मुझे इंडस्ट्री में आए से 2 से 3 साल हुए हैं, लेकिन आप तो इतने साल पुरानी एक्ट्रेस हो, आपकी बहुत पहचान रही है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। वही शालीन के बारे में सौंदर्या ने कहा है कि शालीन, आप कभी भी सच का साथ या फिर स्टैंड नहीं ले सकते हो, आप हमेशा से ही पीठ पीछे बैक बाइटिंग करते हो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, और आप सामने कुछ दिखाते हो और आपके अंदर कुछ और चल रहा होता है। इस तरह की फेक चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं है और यही वजह है कि मैं शालीन आपसे और टीना से दूर रहना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। वैसे ये बात तो साफ है कि शुरुआत के दिनों में सौंदर्या, टीना और शालीन काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इनके बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग नज़र आती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े, शो में दिन आगे बढ़े, वैसे वैसे इन तीनों की जो दोस्ती थी उसमें दरार पड़ गई है। और अब यहाँ तक कि अब तो शालीन और टीना का जो एक सो कॉल्ड प्यार वाला रिश्ता या दोस्ती वाला रिश्ता था वो भी अब काफी ज्यादा मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।